That's it. Hello everyone. So we are ready now. और हमने ये देखो ऑयल को लगा दिया है, कढ़ाई पे चला दिया है और अभी हम अदरक के पेस्ट को डाल रहे हैं और इसको फ्राई होने देंगे। आफ्टर दैट गार्लिक पेस्ट वी विल ऐड। गार्लिक पेस्ट को ऐड करने के बाद में हम मिर्च है, मिर्च को आधा आधा फाड़ लिए हैं, 5 मिर्च है। कितना तीखा खाना उस हिसाब से आप डाल सकते हो। नाउ वी आर एडिंग स्पाइसेस, मेथी है ये, और उसके बाद में वी आर एडिंग जीरा, दिस इज जीरा क्यूमिन, क्यूमिन में जीरा, बेगी मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, सारी चीज़ें। अब नाउ वी आर एडिंग द अनियंस। अनियन डालने के बाद में हम इसको हल्के फ्लेम पे पकने देंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। और स्टार्टिंग में हम साल्ट को नहीं ऐड करेंगे, वी विल ऐड इट लेटर। सो नाउ बैटर इज रेडी एंड वी विल ऐड वाटर इन द बैटर। और वाटर ऐड करने के बाद में अच्छे से हम इसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद में जब ये हल्का पतला हो जाएगा और जो भी हम ये कढ़ाई पे रखे हैं इसका, तो तड़का इज गेटिंग रेडी और बैटर हैज ऑल्सो बीन और यहाँ पे ये पकौड़ी के लिए रेडी हो रहा है। इसको भी हम काफ़ी देर तक रखेंगे और इसको हम स्टिर करते हैं थोड़ी देर तक और देखिए कितना ये सॉफ्ट हो रहा है। तो जितनी देर तक रखेंगे उतना ही सॉफ्ट स्पॉन्जी पकौड़ी बनेगी जिसको हम बाद में कढ़ी में डाल देंगे और इसको लास्ट में डालेंगे और उसी टाइम पर हम नमक डालेंगे जिससे कि कढ़ी फटा हुआ ना लगे। नाउ जस्ट ए मिनट, सो नाउ वी विल ऐड बैटर इन द तड़का। नाउ यू कैन सी, वाओ, एसेंस इज वेरी 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 माउथ वाटरिंग। सो यू कैन सी नाउ कितना अच्छा से बन रहा है। आप एसेंस देखोगे तो कहोगे कि हाँ बहुत ही अच्छा है। और हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वी विल ऐड वाटर इन द करी। इसको अच्छे से हम स्टिर करेंगे और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, टर्मरिक, देगी मिर्च एंड दिस इज कॉल्ड गरम मसाला। कितना सूदिंग है। चावल भी पकने को तैयार है। बहुत ही प्रोफेशनली इसको काम करना पड़ता है। चावल भी पकने को तैयार है। सो गाइस देख लो अभी रेडी हो रहा है, अच्छे से उबल रहा है। 5 मिनट के लिए और उबलने देंगे, वैसे रेडी हो चुका।